गुड मॉर्निंग। ये सेंटेंस करेक्शन की सीरीज में हमारा ये नेक्स्ट वीडियो आपके सामने है। हमारा प्रयास छोटा छोटा पैसेज आपको दिया जाए सो दैट यू में मेमोराइज इट वेरी इजीली। ये आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं बने और आपका काम भी हो जाए। तो इसीलिए मैंने ये कोशिश की कि पैसेज इतना छोटा हो कि आपके लिए समय बहुत कम लगे इसमें और ये आपको याद भी हो जाए, क्योंकि आपको पढ़ना तो बहुत कुछ है। टुडे इन मॉडर्न वर्ल्ड स्टूडेंट्स हैव टू फेस ए लॉट, आई अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। सो माई एफर्ट इज टू गिव यू स्मॉल पैसेजेज। सो प्लीज कम ऑन द पॉइंट। वी विल सी दैट देयर इज वन मिस्टेक इन ईच ऑफ द लाइन शोन ऑन दिस पेज। तो प्लीज हैव ए लुक। एक कंप्यूटर कंपनी क्या है इसमें मिस्टेक खोजना है। एक कंप्यूटर कंपनी हैव ए सीमिंगली इम्पॉसिबल प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है वर्ड PROBLEM, ये भीतर घुस गया है, स्क्रीन पर कम आ रहा है आपको, तो इसके लिए ये प्रॉब्लम है PROBLEM। तो एक कंप्यूटर कंपनी हैव ए सीमिंगली इम्पॉसिबल प्रॉब्लम विथ ए टू एक्सपेंसिव मशीन। स्टाफ इंजीनियर्स ट्राइड एवरीथिंग ही कुड थिंक ऑफ बट कुड नॉट फिक्स इट। डिस्पेरेट दे ट्राइड ए रिटायर्ड इंजीनियर फ्रॉम ए रेपुटेशन फॉर रिपेयरिंग ऑल थिंग्स टेक्निकल। तो पहला लाइन इसमें भी मिस्टेक है आपको। फर्स्ट सेंटेंस हैव ए लुक। ए कंप्यूटर कंपनी हैज, कंपनी क्या है तो ये सिंगुलर हो गया। कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन कंपनी सिंगुलर है। तो कंप्यूटर कंपनी हैज, इसको एक समस्या हो गई, तो ये हैव को रिप्लेस करेंगे हैज से। तो ये कंप्यूटर कंपनी हैज अ सीमिंगली इम्पॉसिबल प्रॉब्लम PROBLEM विथ ए टू एक्सपेंसिव मशीन। ये टू जो वर्ड है ये ऐसा है कि निगेटिव है। ही इज टू फैट, वह बहुत मोटा है। मतलब जहाँ टू लग गया तो मतलब है कि वो नहीं होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हो गया। ही इज टू स्लो, वो उतना उतना स्लो है वो आदमी कि वो इससे उससे काम हो नहीं सकता। ही इज टू फास्ट, वो उतना फास्ट है कि वो उसको होना नहीं चाहिए। टू का मतलब हमेशा होता है निगेटिव सेंस में। टू लग गया किसी को बोल दिया कि यू आर टू ब्रिलियंट, टू ब्रिलियंट मतलब आप इतने तेज हैं जितना आपको होना नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली वो निगेटिव हो जाता है, जो होना नहीं चाहिए वो माइनस पॉइंट हो जाता है, प्लस नहीं रह जाता है। तो विथ ए टू को बदलेंगे हम लोग वेरी करेंगे। एक्सपेंसिव मशीन, खर्चीला बहुत है मशीन, वेरी एक्सपेंसिव है। अगर टू एक्सपेंसिव हो गया तो मतलब वो मशीन रहा ही नहीं, वो बेकार हो जाएगा कंपनी के लिए, उसको बेचना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो विथ ए वेरी एक्सपेंसिव मशीन, टू एक्सपेंसिव, टू को यहाँ रिप्लेस करना है। टू विल बी रिप्लेस्ड बाई वेरी। तो विथ ए वेरी एक्सपेंसिव मशीन स्टाफ इंजीनियर्स ट्राइड, स्टाफ इंजीनियर जो थे उन्होंने कोशिश की। एवरीथिंग ही कुड थिंक ऑफ, ही मीन्स इंजीनियर्स हैं, ये प्लूरल है। तो प्लूरल है तो यहाँ ही क्यों होगा, यहाँ होगा दे। स्टाफ इंजीनियर्स ट्राइड एवरीथिंग दे कुड थिंक ऑफ, वॉट एवर दे कुड डू, जो सोच सकते थे उन्होंने सोचा। तो इंजीनियर्स बहुवचन प्लूरल, सो ही को रिप्लेस करेंगे हम लोग दे से, TH E Y, ये दे। तो दे लगा देंगे यहाँ ही के बदले में। तो एवरीथिंग दे कुड थिंक ऑफ बट कुडंट फिक्स इट, उसको फिक्स नहीं कर पाए, मशीन में गड़बड़ी थी। डिस्परेट, तो वे लोग परेशान हो गए, डिस्परेट हो गए। दे ट्राइड ए रिटायर्ड इंजीनियर, तो थक हार के वे एक रिटायर्ड इंजीनियर को लाए फ्रॉम अ रेपुटेशन, नहीं विथ ए रेपुटेशन। वो इंजीनियर जो आया वो बहुत ही रेपुटेड आदमी था, रेपुटेड मीन्स फेमस आदमी था, उसको प्रसिद्धि थी उस कार्य में। तो डिस्परेट होकर के दे ट्राइड ए रिटायर्ड इंजीनियर विथ ए रेपुटेशन, एक मशहूर इंजीनियर को वे लोग लाए। कंप्यूटर में मशीन में गड़बड़ी हो गई, मशीन इतना महंगा था कि उसको छोड़ना ठीक नहीं था, बनाना था। इंजीनियर लोगों ने कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। तो अंत में वे लोग थक हार के कोई ऐसा इंजीनियर लाए जो बहुत ही फेमस था अपने काम के लिए, मशीन बनाने के लिए। सो रेपुटेशन फॉर रिपेयरिंग ऑल थिंग्स टेक्निकल। एक बार फिर से देखते हैं। ए कंप्यूटर कंपनी हैज ए सीमिंगली इम्पॉसिबल प्रॉब्लम। हैव को बदल करके हमने यहाँ हैज किया क्योंकि ये सिंगुलर है, कंप्यूटर कंपनी।
with a too expensive machine, with a very expensive machine, too will be replaced by very. Staff engineers tried everything they could. यहाँ दे होना है क्योंकि इंजीनियर्स हैं, ये प्लूरल है, तो यहाँ ही को हटा करके दे करेंगे. दे कुड थिंक ऑफ बट कुडंट फिक्स इट. सो डिस्परेट, डिस्परेट हो गए, थक गए, परेशान हो गए, थक हार कर दे ट्राइड ए रिटायर्ड इंजीनियर फ्रॉम ए. फ्रॉम को यहाँ हटा करके हम लोग लिखेंगे फॉर ए रेपुटेशन. फॉर ए रेपुटेशन, इंजीनियर फॉर ए, सॉरी सॉरी, ये फॉर नहीं, यहाँ का विथ. फ्रॉम को हटा करके हम लोग करेंगे विथ, नहीं निकल जाता है मुँह से कभी, सॉरी फॉर दैट वंस अगेन. ये तो विथ यहाँ लिखिए डब्ल्यू आई टी एच, विथ. ये क्या है, इंजीनियर विथ ए रेपुटेशन, विथ ए रेपुटेशन, विथ था, बहुत ही मशहूर था वो. तो रिटायर्ड इंजीनियर विथ ए रेपुटेशन फॉर रिपेयरिंग ऑल थिंग्स टेक्निकल. ठीक है, वंस अगेन, ए कंप्यूटर कंपनी हैज ए सीमिंगली इम्पॉसिबल प्रॉब्लम. इम्पॉसिबल प्रॉब्लम आ गया विथ ए वेरी एक्सपेंसिव मशीन. स्टाफ इंजीनियर्स ट्राइड एवरीथिंग दे कुड थिंक ऑफ बट कुडंट फिक्स इट. डिस्परेट दे ट्राइड ए रिटायर्ड इंजीनियर विथ ए रेपुटेशन फॉर प्रिपेयरिंग ऑल थिंग्स टेक्निकल. सो दिस पैसेज हैज बीन करेक्टेड. आप इस तरह से देखते रहिए, आपकी अंग्रेजी एकदम शुद्ध हो जाएगी. यू विल नेवर गेट एनी प्रॉब्लम इन एनी टाइप ऑफ एग्जाम और टेस्ट, ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रेजेंट बिफोर अस सच टाइप ऑफ पैसेजेज, सच टाइप ऑफ सेंटेंसेज टू करेक्ट. ये प्रैक्टिस हमारा होता रहेगा तो ऐसा सेंटेंस कभी नहीं छूटेगा. ये मेरा आपको भरोसा है, आप ऐसा निश्चित रूप से करेंगे ही करेंगे. ब्लेसिंग्स हैं मानिए तो. ओके, हैव ए नाइस डे, कीप इट व्यूइंग एंड प्लीज सब्सक्राइब. थैंक यू. ओके, वी शैल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो.